हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल नॉन टेक टेक विथ एस एन वाई में आपका स्वागत है। और यह हमारा चाइल्ड पेडागॉजी का पार्ट 11 है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। स्कूलों में अभावग्रस्त बच्चों के साथ डैश व्यवहार किया जाना चाहिए। अभावग्रस्त बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो उनको क्या करना चाहिए हमको कि नियमित आधार पर स्कूलों में भाग न लेने के लिए बहानों की शून्य सहिष्णुता होती है। ठीक है, स्कूलों में अभावग्रस्त बच्चों के साथ नियमित आधार पर स्कूलों में भाग न लेने के लिए बहानों की शून्य सहिष्णुता होती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छात्रों में व्यक्तिगत मतभेदों के समाधान हेतु एक स्कूल किस तरह के समर्थन उपलब्ध करवा सकता है। तो वो देखिए क्या करवा सकता है समर्थन के रूप में, कि एक बच्चे के केंद्रित पाठ्यक्रम के अनुसार अनुसरण करें तथा छात्रों के लिए कई सीखने के अवसर उपलब्ध करवाएं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी है, तो वो जरूरी होता है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक निःशक्त जनक बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो देखिए, जो निःशक्त जनक बच्चे होते हैं उनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है कि उसके कौशल को बढ़ाना, उसको डिमोरलाइज नहीं करना, उसको मोटिवेट करते रहना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर, उसके कौशल को बढ़ाना। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से सभी डैश को छोड़कर बुद्धि परीक्षा के उदाहरण हैं। तो देखिए, तो बुद्धि परीक्षा के उदाहरण देखिए ये भी है, स्टैनफोर्ड बिनेट, वेलचेस्टर बिनेट, बेले स्केल, ये सब बुद्धि परीक्षा के उदाहरण हैं। सभी को छोड़कर, निम्नलिखित में से सभी को छोड़कर बुद्धि परीक्षा के उदाहरण हैं, तो इसको छोड़कर किसको, रासोर्क परीक्षा, ये डी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, पिछड़े बच्चों के लिए विशेष स्कूलों की ज़रूरत है जब पिछड़ापन किसी भी अपंग में निहित है, पिछड़ापन बहुत गंभीर है, ऐसे बच्चे की संख्या एक विशेष समाज में बहुत अधिक है। मतलब इसका क्या होगा कि उपरोक्त सभी, तो डी नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा को कहा जाता है, वर्तमान समय में जो विकलांग बच्चे होते हैं, हैंडीकैप, उनको उनके लिए जो शिक्षा होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है समावेशी शिक्षा। क्या कहा जाता है, समावेशी शिक्षा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। तो देखिए, किसका अनुसरण किया जाना चाहिए, तो उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसे वंचित बच्चा कहा जाता है। तो वंचित बच्चा किसे कहा जाता है, जो माता पिता अभिभावक या संरक्षक के बिना हो, के बिना, किसे वंचित बच्चा कहा जाता है, माता पिता अभिभावक या संरक्षक के बिना जो बच्चा होता है उसे क्या कहा जाता है, वंचित बच्चा कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठ्यक्रम में लचीलापन की संकल्पना का लाभ खाली स्थान के लिए पेश किया गया था। तो वो पेश किया गया था जो विकलांग बच्चों के लिए, किसके लिए किया गया था, पाठ्यक्रम में लचीलापन की संकल्पना का लाभ विकलांग बच्चों के लिए किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर, विकलांग बच्चों के लिए लचीलापन। ठीक है, आर्थोपेडिकल दुर्बल बच्चे होने की संभावना डैश है, आर्थोपेडिकल दुर्बल बच्चों के होने की संभावना डिसग्राफिया कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, डिसग्राफिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर, डिसग्राफिया। किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो वो प्रतिपादित किया था हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत। मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर, हावर्ड गार्डनर ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें क्या होता है कि शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपने स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होता है कि उसको सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। ठीक है, प्रत्येक बच्चों को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रणनीतियाँ जो एक छात्र के व्यवहार को संबोधित करने के लिए जो सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, सीमित अंग्रेजी दक्षता के साथ, दक्षता बोले तो इफिशियंसी के साथ, छात्रों की भाषा की ज़रूरत है, जो छात्र अंधे हैं उनको ब्रेल में निर्देश और छात्रों की सहायक तकनीकी के प्रयोग में निम्न में से कौन विचार करते हैं। तो वो विचार करते हैं हमारे IEPT में। ठीक है, कौन करता है वो IEPT में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर, IEPT में। वाक विकार किससे संबंधित है, वाक विकार किससे है, तो वाक मतलब होता है बोलना, वाक विकार मतलब वाचन से, वाचन पढ़ने में अक्षमता। ठीक है, जो पढ़ नहीं पाते, अक्षम है। ठीक है, वाचन में अक्षमता, वाक विकार किससे संबंधित है, तो वाचन में अक्षमता। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे तो वो होते हैं उनकी पूर्ण संभावनाओं का योग बनाने के लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। प्रतिभाशाली होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे उसकी पूर्ण संभावनाओं का योग बनाने के लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए अन्य समान बच्चों के साथ, जो अन्य समान बच्चों के साथ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाक्षुष बाधिता वाले कक्षा 5 के शिक्षार्थी को तो क्या कहा जाता है, कक्षा कक्ष में समान रूप से व्यवहार करना चाहिए और श्रव्य CD के माध्यम से सशक्त सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। ठीक है, कराना चाहिए। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुछ शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्रीय गहन कार्यक्रम 1992 कब लागू हुआ था, तो वो हुआ था 1993 में। शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्रीय गहन कार्यक्रम 1992 कब लागू हुआ था, तो वो हुआ था 1993 में। ठीक है, 1993 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक शिक्षक निजी मतभेदों के अनुसार शिक्षा देता है तो उसे शिक्षण का तरीका अच्छा होना चाहिए, तो उसे शिक्षण का तरीका अच्छा होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है पूछा है। ठीक है, तो कौन सा गलत है, तो ये गलत है कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी में आत्महीनता की भावना का विकास। क्या है, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी में आत्महीनता की भावना का विकास। तो इसका जो सही आंसर है सी नंबर है। कमजोर विद्यार्थी को प्रेरित करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए, कमजोर विद्यार्थी है, अगर उसको हम डिमोरलाइज कर देंगे तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो उसकी प्रशंसा करके उन्हें अच्छे कार्य करने को कहना चाहिए, उनकी प्रशंसा करके उन्हें अच्छे कार्य करने को कहना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर। ठीक है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तिगत विकास को प्रेरित नहीं करती है। तो देखिए, वो कौन सी ग्रंथि है जो व्यक्तिगत विकास को प्रेरित नहीं करती है, तो वो होगी पीनियल ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि हमारे यहाँ मुंह के नीचे, थायराइड पाए, पीयूष ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि, तो ये सब हमारे व्यक्तिगत विकास को प्रेरित करती हैं, लेकिन पीनियल ग्रंथि जो है वो व्यक्तिगत विकास को प्रेरित नहीं करता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गूंगे बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए, तो कैसे, तो विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा।
गूंगे बच्चों को विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करवानी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अधिगम अक्षमता अशक्तता वाले बच्चे को क्या करना चाहिए? तो उसे क्या करना चाहिए, नियमित विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है जहाँ उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानसिक विकास को प्रेरित करने वाला कारक है, तो वो कारक कौन सा है? अनुवांशिकता, पारिवारिक वातावरण, परिवार का सामाजिक स्तर। मानसिक विकास को प्रेरित करने वाला कारक है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक अलग प्रकार से सक्षम विकलांग बच्चे के लिए निम्नलिखित में कौन से सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो कारक सबसे महत्वपूर्ण है कि उसकी योग्यताओं को आगे बढ़ाना, विकलांग बच्चे की योग्यताओं को आगे बढ़ाना। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों को सीखना, ये होता है सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेगोत्स्की सिद्धांत का तात्पर्य है, वेगोत्स्की सिद्धांत का जो तात्पर्य है वो है कि सहयोगात्मक समस्या हल। तो इसका सही आंसर है ए नंबर। ठीक है, सहयोगात्मक समस्या हल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी में व्यक्तिगत मतभेदों को पता लगाने हेतु विद्यालय किस प्रकार के समर्थन कर सकते हैं? तो क्या कर सकता है कि एक विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम का पालन करे एवं विद्यार्थियों की कई शिक्षा का मौका प्रदान करें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रगतिशील व्यवस्था में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को क्या करना चाहिए? तो उन्हें अन्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है तथा उनकी आवश्यकताओं हेतु विशेष व्यवस्था की जाती है। एक प्रगतिशील व्यवस्था में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को अन्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है तथा उनकी आवश्यकताओं को हेतु विशेष व्यवस्था की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक 16 वर्ष का बच्चा एक बुद्धि परीक्षा IQ टेस्ट में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डैश वर्ष होगी। ठीक है, अगर वो 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? वो 12 वर्ष का होगा। एक 16 वर्षीय आयु एक बुद्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष होगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर। डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के मूल्यांकन हेतु निम्न बातें देखी जाती हैं कि के अलावा, किसके अलावा? तो देखिए, विद्यार्थियों की गलतियों के अलावा सीखने के मूल्यांकन हेतु निम्न बातें देखी जाती हैं। क्या क्या? विद्यार्थियों को सीखने का तरीका, विद्यार्थियों की क्षमता, विद्यार्थियों की आवश्यकता। तो देखिए, इसमें पूछा जो है, सीखने के मूल्यांकन निम्न बातें देखी जाती हैं के अलावा, तो अलावा किसके? विद्यार्थियों के गलतियों के अलावा सभी, ये सभी बातें देखी जाती हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IQ अंक सामान्यतया डैश अकादमिक प्रस्तुति संबंधित होते हैं। तो IQ अंक जो सामान्यतः है अधिकतम अकादमिक। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर, अधिकतम अकादमिक प्रस्तुति से संबंधित होते हैं। सफल समावेशन को छोड़कर निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, तो वो होती है अलगाव। सफल समावेशन को छोड़कर अलगाव की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकरल बर्ट के अनुसार पिछड़े बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन है 85 के नीचे। सिकरल बर्ट के अनुसार पिछड़े बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन है 85 के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो वो होती है कि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन क्रिया के कारण। ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन क्रिया के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है। तो इसका सही आंसर है बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं, खेल क्लांस में उन्हें अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना? तो उसे इसको अन्य बच्चों के साथ खेलने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इस वीडियो के एंड में आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलते रहे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी सही आंसर बी होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।